द्रौपदी के कहने से भीमसेन स्वर्ण फूल लेने के लिए उत्तर के मार्ग पर चलने लगे। कृपा करके हनुमान जी ने दर्शन दिए और अपने छोटे भाई भीमसेन को आगे जाने से मना कर दिया। भीमसेन हनुमान जी की आज्ञा मानकर दूसरे मार्ग से कुबेर की तरफ गए और एक सरोवर में सोने के फूल प्राप्त करने लगे। यक्षों के साथ युद्ध हुआ और कुबेर के पास भीमसेन की शिकायत की गई। कुबेर बड़े प्रसन्न हुए। इधर मार्ग बड़ा कठिन था। घटोत्कच को याद किया। घटोत्कच वहां उपस्थित हो गया। घटोत्कच के साथ और भी कई राक्षस आ गए। उन सब ने पांडवों को और ब्राह्मणों को अपने कंधे पर ले लिया और वे तीर्थ यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। आकाशवाणी ने भी कह दिया कि अब आप ज्यादा ऊंचे मत जाइए, बस इधर वापस लौटो और नरनारायण के आश्रम में आ जाओ, वहां तुम्हें कुबेर के मंदिर में दर्शन हो जाएंगे। सब नरनारायण के आश्रम में आ गए। ये कथा कल तक हुई। देवयोग से एक समय धर्मराज के पास एक राक्षस आया और कहने लगा, मैं समस्त शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ और मंत्र विद्या में कुशल ब्राह्मण हूं। ऐसा कहकर वह सर्वदा पांडवों के धनुष और तरकस तथा द्रौपदी को उड़ा ले जाने की ताक में उन्हीं के पास रहने लगा। उस दुष्ट का नाम था जटासुर। एक समय भीमसेन तो वन में गए हुए थे। उस समय लोमश ऋषि आदि महर्षिगण स्नान करने के लिए चले गए। जो वो ब्राह्मण का रूप बनाकर जटासुर आया था, उसने अपना राक्षस रूप बना लिया और तीनों पांडव, द्रौपदी और सारे शस्त्रों को उठाकर ले चला। उनमें से सहदेव तो किसी प्रकार अपनी ताकत बताकर के छूट गए और उस राक्षस से अपनी कौशिकी नाम की तलवार छीनकर जिस ओर भीमसेन गए थे उसी ओर जोर जोर से आवाज लगाने लगे। फिर जिन्हें राक्षस हर ले जाता था, उन धर्मराज युधिष्ठिर ने उससे कहा, अरे मूर्ख, इस प्रकार चोरी करने से तेरे धर्म का नाश होता है। तू इसका कुछ भी विचार नहीं करता है। तुझे सब प्रकार धर्म का विचार करके ही काम करना चाहिए। जो प्रामाणिक पुरुष होते हैं उनको गुरु, मित्र, ब्राह्मण और विश्वास करने वालों से जिनसे अन्न खाया हो और जिन्होंने आश्रय दिया हो उन्हीं के साथ रुद्रोह करता है। तू हमारे यहां बड़े सम्मान पूर्वक रहा, ब्राह्मण बनकर आया और हमारा अन्न खाकर तू हमें ऐसे ही हरना चाहता है। इस प्रकार तो तेरा आचार, आयु और बुद्धि सब निष्फल हो जाएंगे। अब तू मरना चाहता है। राक्षस, आज तूने इस मानवी का स्पर्श क्या किया है, मानो घड़े में रखे हुए विष को हिलाकर तुमने पी लिया है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर उसके लिए भारी हो गए। उनके भार से दबकर उसकी गति उतनी तेज नहीं रही। तब धर्मराज ने नकुल और द्रौपदी से कहा, तुम इस मूर्ख राक्षस से डरो मत, मैंने इसकी गति को कुंठित कर दिया है।
यहां से थोड़ी दूर महाबाहु भीमसेन होगा, बस अब वो आता ही होगा, फिर इस राक्षस का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। तदनंतर उस मूढ़ बुद्धि राक्षस को देखकर सहदेव ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन यह देश और काल ऐसा ही है कि हम इससे युद्ध करें, यदि इस युद्ध में इसे मार डालें तो विजय पाएंगे और यदि हम ही मारे गए तो फिर सदगति प्राप्त होगी, दोनों ही अवस्थाओं में युद्ध करना श्रेष्ठ है। उन्होंने राक्षस को ललकारते हुए कहा, ए राक्षस खड़ा रहे, तू या तो मुझे मारकर द्रौपदी को ले जाना, नहीं तो अभी मेरे हाथ से मारा जाकर यहीं शयन करेगा। माद्री कुमार सहदेव ऐसा कह ही रहे थे कि इतने में ही अकस्मात वज्रधारी इंद्र के समान गदाधारी भीमसेन दिखाई दिए। उन्होंने देखा, अरे राक्षस के हाथों मेरे भाई द्रौपदी, बस क्रोध से भर गए और उछल करके बोले, पापी मैंने तुझे पहले ही शस्त्रों की परीक्षा करते समय पहचान लिया था, तू ब्राह्मण नहीं है इसलिए मैंने तुझे मारा नहीं। हां मैंने तुझे पहले ही पहचान लिया था कि तू शस्त्रों की परीक्षा क्यों करता है, लाइन छूट गई, तू शस्त्रों की परीक्षा क्यों करता है, मैं तुझे मारना तो चाहता था किंतु तुम्हारे यहां तुमने हमारे यहां ब्राह्मण का वेश बनाकर निवास किया इसलिए मैंने तुझे मारा नहीं, क्योंकि वेश तुम्हारा ब्राह्मण का था, लोगों पर कितना बुरा असर पड़ता कि देखो ये पांडव ब्राह्मणों को मारते हैं। मैं ये भी जानता था कि तू राक्षस है, पर बिना अपराध के भी मैं तुझे कैसे मार सकता था, और जो बिना अपराध के मारता है वह नरक में जाता है, मालूम होता है आज तेरी मौत आ गई है, इससे तेरी कुबुद्धि उपजी है, अवश्य अद्भुत कर्मा काल ने ही तुझे कृष्णा को हरण करने की बात सुनाई सुझाई है, अब तू यहां जहां जाना है वहां जाने की रुचि रखता है, वहां जा नहीं सकता है, बल्कि तुझे बक और हिडम्ब के रास्ते से जाना होगा। क्या कहें, उसी समय भीमसेन काल की प्रेरणा से ऐसे उछल करके आए, राक्षस डर गया और उसी समय सबको छोड़ करके और वो भागने लगा, यदि भीमसेन ने उसे पकड़ लिया। फिर उसने भी क्रोध से कहा, ए भीमसेन तुम्हें अपने बल का इतना अभिमान है तो आओ मेरे से युद्ध करो, जिन राक्षसों के नाम तुमने गिनाए हैं वो मेरे समान नहीं है, आज तेरे खून से मैं उनका तर्पण करूंगा। फिर इन दोनों में बड़ा बाहु युद्ध होने लगा, तब दोनों माद्री कुमार भी क्रोध में भरकर उस पर टूट पड़े। भीमसेन ने कहा, नहीं तुम दोनों युद्ध देखो, तुम दोनों मुझसे छोटे हो, बड़े का काम छोटों की रक्षा करने का होता है, और यदि तुम दोनों मेरे साथ इससे युद्ध करोगे तो मेरी गरिमा को तुम समाप्त कर दोगे, लोग कहेंगे कि तीन जनों ने मिलकर के एक को मारा, नहीं ये श्रेय तो इस भीमसेन को ही लेने दो, कई दिनों से कोई मुझसे युद्ध करने वाला मिला नहीं, आज कोई मिला तो है, आओ मैं अकेला युद्ध करूंगा। बस अब वे दोनों वीर आपस में होठ दबाकर बाहु युद्ध करने लगे, जैसे देव और दानव एक दूसरे की वृत्ति सहन नहीं करते और भिड़ जाते हैं, बस भीमसेन और जटासुर एक दूसरे को चोट करने लगे। जिस प्रकार पहले स्त्री की इच्छा से बाली और सुग्रीव का संग्राम हुआ था, उसी प्रकार इन दोनों का वृक्ष युद्ध होने लगा, अनेकों वृक्ष उजड़ गए। फिर शिलाओं से युद्ध प्रारंभ किया, अंत में फिर घूसों की वर्षा होने लगी। भीमसेन ने जटासुर की गर्दन पर बड़े वेग से मुक्का मारा और राक्षस का यहां गर्दन का हिस्सा एकदम टूट टूट हो गया, ढीला पड़ गया।
और उसे थका मांदा देखकर भीमसेन ने उसको उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया और उसके खूब घुसे और लात मारे, उसका अंग चूर चूर हो गया। फिर कोहिनी की चोट से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया है, कोहिनी की चोट लगाई, राक्षस का वध कर दिया। भीमसेन युधिष्ठिर के पास आए, ब्राह्मण लोगों ने भीमसेन की बड़ी प्रशंसा की। जटासुर के मारे जाने पर युधिष्ठिर महाराज फिर नरनारायण के आश्रम में जाकर रहने लगे। अब अपने भाई का बहुत स्मरण हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी सहित सब भाइयों को बुलाकर कहने लगे, अर्जुन ने मुझसे कहा था कि मैं 5 वर्ष तक स्वर्ग में अस्त्र विद्या सीखने के बाद मृत्यु लोक में लौट आऊंगा, इसलिए जिस समय अर्जुन अस्त्र विद्या सीखकर यहां आवे उस समय हम लोगों को उससे मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार बातचीत करते हुए उन्होंने ब्राह्मण और भाइयों के साथ आगे के लिए प्रस्थान किया। वे कहीं तो पैदल, कहीं राक्षस लोगों के कंधे पर बैठकर चलते थे। चलते चलते कैलाश पर्वत, मेनाक पर्वत, गंधमादन पर्वत की तलैटी को, श्वेतगिरी को तथा ऊपर ऊपर के पहाड़ों के अनेकों निर्मल नदियों को देखते हुए 7वें दिन हिमालय के पवित्र पृष्ठ पर पहुंचे। वहां उन्होंने राजर्षि वृषपर्वा का पवित्र आश्रम देखा। वह अनेकों प्रकार के पुष्पित वृक्षों से सुशोभित था। पांडवों ने उस आश्रम में पहुंचकर वृषपर्वा को प्रणाम किया। राजर्षि ने अपने पुत्रों के समान उनका अभिनंदन किया और उनसे सत्कृत हो पांडवों ने 7 रात निवास किया। 8वें दिन उन्होंने जगत प्रसिद्ध वृषपर्वा जी से आगे जाने की इच्छा प्रकट की। उनके पास जो सामान बच रहा था वह उन्होंने उन्हीं को दे दिया। अपने यज्ञ पात्र, रत्न, आभूषण भी उन्हीं के आश्रम में छोड़ दिए। राजर्षि वृषपर्वा भूत और भविष्य के ज्ञाता थे, समस्त धर्मों के मर्मज्ञ थे। उन्होंने चलते समय पांडवों को पुत्र की तरह उपदेश दिया, फिर उनकी आज्ञा पाकर वे उत्तर दिशा में चले गए। सत्य पराक्रमी कुंती नंदन युधिष्ठिर भाइयों सहित, द्रौपदी सहित पैदल चल रहे थे। वह प्रांत अनेक प्रकार के मार्गों से परिपूर्ण था। रास्ते में पहाड़ों के ऊपर तरह तरह के वृक्षों के कुंजों में निवास करते हुए 4वें दिन श्वेत पर्वत पर पदार्पण किया। श्वेत पर्वत एक बहुत बड़े बादल के समान सफेद सफेद दिखाई देता था। इस पर जल की अधिकता थी तथा मणि, सुवर्ण और चांदी की शिलाएं थी। मार्ग में धौम्य, द्रौपदी, पांडव और महर्षि लोमस साथ साथ ही चलते थे। उनमें से कोई भी थकता नहीं था। चलते चलते माल्यवान पर्वत पर पहुंचे। उसके ऊपर चढ़कर उन्होंने किम पुरुष, सिद्ध और चारणों से सेवित गंधमादन के दर्शन किए। को देखकर रोमांच हो गया। क्रम से उन वीरों ने मन और नेत्रों को आनंदित करने वाले गंधमादन के वन में प्रवेश किया। उस समय युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भीमसेन, ये गंधमादन का जंगल कैसा शोभायमान है। बड़े बड़े सुंदर वृक्ष हैं, पत्र, पुष्प और फल से सुशोभित है। इधर देव नदी गंगा है, इसमें अनेकों कलहंस और क्रीड़ा कर रहे हैं तथा इनके तट पर ऋषि और किन्नर लोग निवास करते हैं। तरह तरह के धातु, नदी, किन्नर, मृग, पक्षी, अप्सराएं, मनोरम वन, अनेकों आकार के सर्प और सैकड़ों शिखरों से सुशोभित इस पर्वतराज की ओर जरा देखो तो सही। इस प्रकार शूरवीर पांडव अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचकर मन में बड़े आनंदित हुए। देखते देखते उनको तृप्ति नहीं होती थी। फिर उसके बाद वे राजर्षि आर्ष्टिसेन के आश्रम में गए।
वृषपर्वा के भांति ये आर्ष्टिसेन भी बड़े तपस्वी थे। इनका शरीर अत्यंत कृष था, शरीर की नसें नसें दिखाई देती थी, पर वे समस्त धर्मों के पारगामी थे। पांडवों ने उनके पास जाकर यथायोग्य प्रणाम किया। धर्मज्ञ आर्ष्टिसेन ने दिव्य दृष्टि से पांडवों को पहचान लिया और उन्हें बैठने के लिए कहा। पांडवों के बैठ जाने के बाद महातपा आर्ष्टिसेन ने कौरवों में श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर का सत्कार करते हुए पूछा, राजन तुम्हारा मन कभी असत्य में तो नहीं जाता है? तुम बराबर धर्म में स्थित रहते हो ना? तुम्हारे माता पिता की सेवा में कोई अंतर तो नहीं आता है ना? अपने समस्त गुरुजन, वृद्ध पुरुष और विद्वानों का तो तुम सत्कार करते हो ना? पाप कर्मों में तो कभी तुम्हारा मन नहीं जाता है? तुम उपकार का बदला चुकाना और अपकार को भूल जाना, इस व्यवहार को जानते हो ना? और उस ज्ञान का तुम्हें अभिमान तो नहीं होता है कि देखो मैं उपकार का बदला चुका रहा हूं और अपकार को मैं भूल रहा हूं, मैं कितना अच्छा हूं, ऐसा अभिमान तो नहीं होता है ना? तुमसे यथायोग्य मान पाकर साधुजन प्रसन्न रहते हैं ना? वनों में रहते समय भी तुम धर्म का अनुवर्तन करते हो ना? तुम्हारे व्यवहार से धौम्य जी को कभी कोई कष्ट नहीं होता है ना? दान धर्म तपस्या शौच आर्जव और तितिक्षा का आचरण करते हुए तुम अपने बाप दादों के शील का अनुसरण करते हो ना? तुम राजर्षियों के द्वारा आचरित मार्ग से चलते हो ना? जब अपने कुल में पुत्र या नाती का जन्म होता है तो पितृलोक में रहने वाले पितर हंसते भी हैं और शोक भी मनाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि पता नहीं हमें इसके कुकर्मों से दुख भी भोगना पड़ेगा या शुभ कर्मों से सुख भोगना पड़ेगा। हे पार्थ, जो पुरुष माता पिता अग्नि गुरु और आत्मा की पूजा करता है वह यह लोक और परलोक दोनों को जीत लेता है। आत्मा की पूजा क्या होती है महाराज? आत्मा की पूजा है आत्म तत्व का साक्षात्कार करना, ये आत्मा की पूजा है। फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा, भगवान आपने ये धर्म के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है, मैं भी यथाशक्ति अपनी योग्यता के अनुसार इसका विधिवत पालन करता हूं। आर्ष्टिसेन ने कहा, देखो युधिष्ठिर, पूर्णिमा और एकम की संधि में इस पर्वत पर केवल जल या पवन का ही सेवन करने वाले मुनिगण आकाश मार्ग से आते हैं। उस समय यहां भेरी पड़ाव शंख और मृदंगों का शब्द भी सुनाई देता है। आप लोग यहां बैठे बैठे उसको सुने, वहां जाने का विचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां से आगे तुम्हारे लिए जाना संभव नहीं है, क्योंकि अब आगे देवताओं की विहार भूमि है, उसमें मनुष्यों की गति नहीं हो सकती। इस कैलाश शिखर को लांघकर केवल परम प्रसिद्ध और देवर्षि गण ही जा सकते हैं। यदि कोई मनुष्य चपलतावश जाने का प्रयत्न करता है तो उससे समस्त पर्वतीय जीव द्वेष करने लगते हैं और राक्षस लोग उसे लोहे की बर्छियों से मारते हैं। पर्व संधियों पर यहां नरवाहन कुबेर जी भी बड़े ठाट बाट से आते हैं। इस कैलाश के शिखर पर ही देवता दानव सिद्धों और कुबेर का उद्यान है। इस प्रकार पर्व संधियों पर, पर्व संधि माने पूर्णिमा और एकम के बीच की संधि, प्राणियों को ऐसी बहुत सी विचित्र बातें दिखाई देती हैं। अतः जब तक अर्जुन आ जाए तब तक तुम यही निवास करो। आर्ष्टिसेन की बात सुनकर पांडवों का तो हृदय कमल प्रसन्नता से भर गया, वहां रहने लगे। वहां हिमालय पर रहकर महर्षि लोमस से तरह तरह के उपदेश सुनते थे। उनके वनवास का पांचवा वर्ष बीत गया।
घटोत्कच भी राक्षसों के साथ पहले ही चला गया। जाति बार वह कह गया था, पिताजी आवश्यकता पड़ने पर मैं फिर उपस्थित हो जाऊंगा। उस आश्रम पर पांडव लोग कई मास तक रहे, अद्भुत अद्भुत घटनाएं देखी। एक दिन बहता हुआ वायु ही हिमालय के शिखर से सब प्रकार के सुंदर और सुगंधित पुष्प उड़ा लाया। ऐसे सुंदर पुष्प वायु लेकर आया। बंधु बांधवों सहित पांडवों ने और यशस्विनी द्रौपदी ने वहां वे पंचरंगे पुष्प देखे। एक दिन भीमसेन उस पर्वत पर आनंद से एकांत में बैठे हुए थे। उस समय द्रौपदी ने उनसे कहा, हे महाबाहु हो, यदि समस्त राक्षस आपके बाहुबल से पीड़ित होकर इस पर्वत को छोड़कर भाग जाए तो कैसा रहे? फिर यहां रहने वाले ऋषि मुनियों को कितना आनंद का अनुभव हो, और जब तक हम यहां बैठे हैं आपके सुहृद यहां कितने आनंद के साथ रह सकते हैं। मैं कई दिनों से ये बात सोच रही हूं, अपने लोग यहां आए हैं तो सबको आनंदित करें। द्रौपदी की बात सुनकर भीमसेन ने सुवर्ण की पीठ वाला धनुष तलवार तरकस उठा लिए और हाथ में गदा लेकर बेखटके गंधमादन पर आगे बढ़ने लगे। यह देखकर द्रौपदी का उल्लास उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। पवन पुत्र भीमसेन पर ग्लानी, भय, कातरता, कायरता, मत्सरता का भाव बिल्कुल नहीं था। बड़े हिम्मत के साथ पर्वत की चोटी के लिए आगे बढ़े। वहां से उन्होंने कुबेर के महल दिखाई दिए, बड़े विचित्र महल, सोने के महल, स्फटिक के महल उन्होंने देखे। चारों ओर सोने का परकोटा बना हुआ, उसमें सब प्रकार के रत्न जगमगा रहे थे, बड़े सुंदर बाग बगीचे। इस प्रकार राक्षसराज कुबेर के रत्न जटित और पुष्पमाला मंडित महलों को देखकर उन्होंने अपने शत्रुओं को रोंगटे खड़े कर देने वाला शंख बजाया। भीमसेन जी ने शंख बजाया तथा अपने धनुष की प्रत्यंचा और तालियों का भीषण शब्द करके उस जीव को मोहित कर दिया, सब जीवों को मोहित कर दिया। उस शब्द से यक्ष, राक्षस और गंधर्वों के रोंगटे खड़े हो गए। वे गदा, परिग, तलवार, त्रिशूल, शक्ति, फरसा लेकर भीमसेन के सामने खड़े हो गए। भीमसेन की ओर दौड़े, फिर तो भीमसेन के साथ युद्ध होने लगा। अपने प्रबल वेग वाले भाले से भीमसेन ने उनके चलाए हुए त्रिशूल, शक्ति और फरसे आदि शस्त्रों को काट डाला। उनके हाथों से छूटे हुए आयुधों से कटे हुए यक्ष और राक्षसों के शरीर और सिर सब और दिखाई देने लगे। इस प्रकार अंग भंग होने से यक्ष लोग भीमसेन से बहुत डर गए। उनके हाथ से सारे अस्त्र शस्त्र गिर गए, जोर जोर से चीत्कार करने लगे। अंत में प्रचंड धनुर्धर भीमसेन से डरकर वे अपने गदा, त्रिशूल, तलवार आदि फेंककर दक्षिण दिशा की ओर भागने लगे। उधर कुबेर का एक मित्र मणिमान नाम का राक्षस रहता था। उसने यक्ष राक्षसों को भागते हुए देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रे आज भगने का दिन कैसे आ गया? तुम तो अपने मद का बड़ा अभिमान करते थे, आज तुमको एक अकेले आदमी ने परास्त कर दिया। अब तुम कुबेर के पास जाकर क्या कहोगे कि हमने ये शूरवीरता दिखाई? उन सब से ऐसा कहकर वह राक्षस शक्ति, त्रिशूल और गदा लेकर भीमसेन पर टूट पड़ा। भीमसेन ने भी मदस्रावी हाथी के समान अपनी ओर आते हुए देखकर अपने वत्सदंत नामक तीन बाणों से उसकी पसलियों पर प्रहार किया। इससे मणिमान अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने अपनी भारी गदा उठाई, भीमसेन के ऊपर छोड़ी। भीमसेन गदा युद्ध की चालों में तो बड़े प्रवीण थे, अतः उन्होंने उसके उस प्रहार को एकदम व्यर्थ कर दिया। इसी समय उस राक्षस ने सोने की मूठ वाली एक फौलाद की शक्ति छोड़ी।
भीमसेन के दाहिने हाथ को घायल करके अग्नि की लपटें निकालती हुई वो शक्ति पृथ्वी पर गिर गई। उस शक्ति के लगने से अतुलित पराक्रमी भीमसेन की आंखें क्रोध से घूमने लगी और उन्होंने अपनी सुवर्ण के पत्र से मंडी हुई फिर गदा उठाई। वे आकाश में उछलकर उस गदा को घुमाते हुए उसकी ओर दौड़े। संग्राम भूमि में भयंकर गर्जना करते हुए मणिमान के ऊपर उस गदा को फेंका। वह गदा वायु के समान बड़े वेग से उस राक्षस का संहार करके पृथ्वी पर गिर गई। मणिमान मर गया और वो पृथ्वी पर गिरा हुआ देखा गया। जो राक्षस मरने से बचे थे अब वे राक्षस वहां से जोर से आर्तनाद करते हुए भाग गए। उस समय पर्वत की गुफाओं को अनेक प्रकार के शब्दों से गूंजते देखकर अजात शत्रु युधिष्ठिर नकुल सहदेव धौम्य द्रौपदी ब्राह्मण सुहृदगण भीमसेन को न देखकर उदास हो गए। फिर द्रौपदी को आष्टिसेन मुनि को सौंपकर वे सब वीर अस्त्र शस्त्र लेकर एक साथ पर्वत पर चढ़ने लगे। विचार किया कि ये आर्तनाद भीमसेन का है, भीमसेन पर कोई आफत आ गई है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर इन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली तो देखा कि भीमसेन के हाथ में गदा है, क्रोध की मुद्रा में खड़े हैं और वहां उनके मारे हुए अनेकों विशालकाय राक्षस पृथ्वी पर पड़े हैं। भीमसेन को इस अवस्था में देखकर सब जाकर उनसे गले मिले। युधिष्ठिर ने कुबेर के महल और मरे हुए राक्षसों को देखकर भीमसेन से कहा, भैया भीम, इतना साहस नहीं करना चाहिए, ये तुमने मोहवश किया है, ये पाप हुआ है। तुम मुनियों का साथ जीवन व्यतीत करते हो, फिर यहां व्यर्थ ही इनकी हत्या करने से तुम्हें क्या मिलता है? भीमसेन, अभी हम वन में हैं, ये हमसे युद्ध करने नहीं आए, तुम ही उनसे युद्ध करने गए। अपने को अपने आफत के बिना किसी के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारी प्रसन्नता हो और मेरी प्रसन्नता लेना चाहते हो तो फिर आगे ऐसा मत करना। इधर भीमसेन के आक्रमण से बचे हुए कुछ राक्षस बड़ी तेजी से दौड़कर कुबेर के पास आए। बड़ी बड़ी चीख चीख भरकर कहने लगे, यक्षराज, आज संग्राम भूमि में एक अकेले मनुष्य ने क्रोधवश नामक राक्षसों को मार डाला। वे सब उसकी मार से निस्सत्व और प्राणहीन हुए पड़े हैं। हम तो जैसे तैसे लुकते छिपते बच बचाकर आपके पास आए हैं। आपका परम सखा मणिमान भी मारा जा चुका है, वह सब कांड एक मनुष्य ने कर डाला है। अब आप इस विषय में जो सोचते हैं वो कीजिए। ये समाचार पाकर कुबेर जी बड़े कुपित हुए, आंखें लाल हो गई, कहने लगे, ये सब क्या है, कैसे हुआ? फिर ये दूसरा अपराध भी भीमसेन का ही सुनकर बड़ा क्रोध आया कि पिछली बार हमने भीमसेन को माफ कर दिया था, फिर भीमसेन ने ऐसा किया है। उन्होंने आज्ञा दी कि हमारा पर्वत शिखर के समान ऊंचा रथ सजा लाओ। रथ तैयार हो जाने पर राजराजेश्वर महाराज कुबेर उस पर चढ़कर उससे युद्ध करेंगे। वे उस रथ पर चढ़ गए, गंधमादन पर पहुंचे। यक्ष राक्षसों से घिरे हुए प्रियदर्शन कुबेर जी को देखकर पांडवों के रोमांच हो गया तथा महाराज पांडु के धनुष बाणधारी महारथी पुत्रों को देखकर कुबेर जी प्रसन्न हुए। वे उनसे देवताओं का कार्य कराना चाहते थे, इसलिए उन्हें देखकर बड़े संतुष्ट हुए। कुबेर जी के जो सेवक पीछे रह गए थे वे पक्षियों के समान सीधे ही उस पर्वत पर पहुंच गए। यक्षराज को पांडवों पर प्रसन्न देखकर उनका सारा मनमुटाव दूर हो गया। धर्म के रहस्य को जानने वाले युधिष्ठिर नकुल सहदेव ने कुबेर को प्रणाम किया और अपने को उनका अपराधी समाना कि भीमसेन से गलती हो गई। अतः वे सब यक्षराज को घेर कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
इसी समय भीमसेन के हाथ में पास खड्ग धनुष सब शोभित थे और वे कुबेर के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर नरवाहन कुबेर जी ने धर्मराज से कहा, पार्थ, आप तो समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, ये बात सब जीव जानते हैं, इसलिए आप भाइयों सहित बेखटके इस पर्वत पर रहिए और आप जैसे भीमसेन के अपराध मानते हैं, वास्तव में भीमसेन को प्रेम की दृष्टि से देखना, भीमसेन के ऊपर क्रोध मत करना, क्योंकि ये राक्षस तो अपने काल से मरे हैं, आपका भाई तो इसमें निमित्त मात्र है। राजन, एक बार कुशस्थली नाम के स्थान में देवताओं के अंदर एक मीटिंग हुई थी, सभा हुई थी, उसमें मुझे भी बुलाया था। मैं तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अत्यंत भयंकर 300 महापद्म यक्षों के साथ वहां गया था। पद्म महापद्म कितने होते हैं। मार्ग में मुझे अगस्त्य जी मिले, वे यमुना के तट पर कठोर तपस्या कर रहे थे। उस समय मेरा मित्र राक्षसराज मणिमान मेरे साथ ही था। उसने मूर्खता, अज्ञान, गर्व और मोह के अधीन होकर ऊपर से महर्षि के ऊपर थूक दिया। तब मुनिवर ने कोप करके मुझसे कहा, कुबेर, देखो, तुम्हारे इस सखा ने मुझे कुछ न समझकर मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए यह अपनी सेना सहित केवल एक मनुष्य के द्वारा मारा जाएगा। तुम्हें भी अपने इन सेनानियों के कारण दुख भोगना पड़ेगा, फिर उस मनुष्य का दर्शन करने पर तुम्हारा भी दुख दूर हो जाएगा। ये हमको शाप मिला हुआ था, महर्षियों में श्रेष्ठ अगस्त ने मुझे ही शाप दिया था, उस शाप से आज आपके भाई ने हमें मुक्त कर दिया। राजन, लोक व्यवहार में धैर्य, कुशलता, देश काल और पराक्रम, इन पांच चीजों की बड़ी आवश्यकता होती है। कभी कभी अटपटा व्यवहार हो तो उसमें धैर्य से काम लेना चाहिए। सतयुग में लोग धैर्यवान होते थे, जो क्षत्रिय धैर्यवान, देश काल का ज्ञान करने वाला और सब प्रकार की धर्म विधि में निपुण होता था, वह बहुत समय तक पृथ्वी का शासन करता था। जो पुरुष समस्त कर्मों में इस प्रकार का बर्ताव करता है, वह संसार में यश प्राप्त करता है और मरने पर सदगति पाता है। किंतु जो क्रोध के आवेश में अपने पतन पर दृष्टि नहीं डालता, जिसके मन बुद्धि पाप में रचे पचे हैं, वे केवल पाप ही पाप का अनुसरण करता है तथा कर्मों का विभाग न जानने के कारण लोक और परलोक में उसका नाश हो जाता है। ये भीमसेन धर्म को नहीं जानता है, गर्वीला है, पर इसकी बुद्धि बालकों के समान भोली भाली है। बल में बड़ा श्रेष्ठ, पर बच्चे के समान सीधा और भोला है। सहन करना तो जानता ही नहीं है और किसी प्रकार का इसको कोई भय सताता नहीं है, भय भी नहीं जानता। इसलिए आप फिर राजर्षि अष्टिसेन के आश्रम में जाकर इसे ज्ञान दिलवाइए। यह कृष्ण पक्ष आप उसी आश्रम में व्यतीत कीजिए। मेरी आज्ञा से अलकापुरी में रहने वाले समस्त यक्ष, गंधर्व, किन्नर और पर्वतवासी आपकी देखभाल करेंगे। आप किसी प्रकार चिंता न करना। ये तो भीमसेन था जो यहां साहस करके आ गया, इसका बल ही था आ गया, परंतु भोला भाला है, इसलिए हमने इसको दंड नहीं दिया है। इसको समझाओ, वो आगे आने से रुक जाए। इसको रोकने के लिए कहेंगे तो ये बात तो वो मानने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये निर्भय है एकदम, डर इसको है ही नहीं, इसलिए आप इसको समझा करके रोकिए। इससे छोटा जो आपका भाई अर्जुन है, वो बड़ा व्यवहार में निपुण है।
सब प्रकार की धर्म मर्यादा को जानता है। इसी से लोक में जितने भी स्वर्गीय विभूतियां हैं वे सारा ऐश्वर्य उस अर्जुन को प्राप्त है। उनके सिवा उसमें दम, दान, बल, बुद्धि, लज्जा, धैर्य, तेज सब गुण हैं। कुबेर के वचन सुनकर पांडव बड़े प्रसन्न हुए। भीमसेन जी ने जो वो शस्त्रों से सुसज्जित थे अपने शस्त्र उतारकर सब रख दिए और कुबेर जी को जाकर प्रणाम किया। कुबेर जी ने भीमसेन के पीठ पर थपथपी लगाते हुए कहा, भीमसेन तुम शत्रुओं का मान भंग करने में बड़े निपुण हो, अपने सुविधों की रक्षा करने में बड़े समर्थ हो, पर कहीं कहीं बुद्धि से काम लिया करो। फिर धर्मराज से बोले, हे धर्मराज, अब अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण हो गया है। देवराज इंद्र ने उसे घर जाने की आज्ञा दे दी है, इसलिए आप जल्दी यहां से जाओ और इंद्र आपसे मिलने वाला है, अर्जुन आपसे मिलने वाला है, उसके लिए आप तैयार हो जाओ। धर्मराज युधिष्ठिर को ऐसा उपदेश देकर कुबेर जी चले गए। भीमसेन के हाथ से जो राक्षस मारे गए थे उनके शवों को कुबेर जी की आज्ञा से पहाड़ के नीचे लुढ़का दिए गए। इस प्रकार युद्ध में मारे जाने से उन्हें मतिमान अगस्त्य जी का जो शाप था उसका अंत हो गया। कुबेर जी ने भी सोचा कि अब हमारा ये क्षेत्र शाप वर्जित हो गया, भीमसेन ने ये काम अच्छा किया। पांडवों ने वह रात बड़े आनंद से कुबेर के महल में ही निकाली। शत्रु दमन जनमेजय, सूर्योदय होने पर मुनिवर धौम्य अपने आह्निक कर्म से निवृत्त हो राजर्षि अष्टिसेन के साथ पांडवों की ओर चले। पांडवों ने उन दोनों के चरणों में प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों का भी अभिवादन किया। फिर किए तो सब छोड़ के आए थे ना वहां। फिर धौम्य ने धर्मराज का हाथ पकड़कर पूर्व दिशा की ओर संकेत करते हुए कहा, महाराज ये जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर फैला हुआ महापर्वत दिखाई दे रहा है इसी का ही नाम मंदराचल है। देखिए कैसी इसकी शोभा है, पर्वतमाला कितनी हरी हरी वृक्षावलियों से सुशोभित है, कैसी रमणीय वायु चल रही है, कैसा इसमें सुगंध है। ये दिशा इंद्र और कुबेर का स्थान है। सर्वधर्मज्ञ मुनिजन प्रजाजन सिद्ध साध्य देवता लोग यहां दिशा में इसी दिशा में उदित हुए सूर्य का पूजन करते हैं। समस्त प्राणियों के प्रभु धर्मज्ञ यमराज इस दक्षिण दिशा में रहते हैं। मरने वाले प्राणियों का गंतव्य स्थान यही है। यह पवित्र और अद्भुत दिखाई देने वाली संयमनीपुरी है। यही प्रेतराज यम का निवास स्थान है। इनका ऐश्वर्य भी बहुत बड़ा चढ़ा है। इधर पश्चिम की ओर जो पर्वत दिखाई देता है इसे अस्ताचल कहते हैं। महाराज वरुण इस पर्वत और महासमुद्र में रहकर प्राणियों की रक्षा करते हैं। सामने जो उत्तर दिशा को आलोकित करता हुआ परम प्रतापी मेरु पर्वत खड़ा हुआ है उस पर केवल ब्रह्मवेत्ता ही रह सकते हैं। इसके ऊपर ब्रह्मा जी की सभा है और इसी पर वे स्थावर जंगम की रचना करते हैं। इस पर्वत के ऊपर वशिष्ठ आदि सप्तर्षियों के उदय अस्त होते रहने के स्थान हैं। तुम तनिक मेरु पर्वत के उस पर पवित्र शिखर के दर्शन करो। अनादि निधन श्री नारायण का ये स्थान है, इसी से ये चमक रहा है। ये सर्व तेजोमय और परम पवित्र है, देवता भी उसका दर्शन नहीं कर सकते हैं, अग्नि और सूर्य उस स्थान को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। वह तो स्वयं प्रकाशमान है, उसका दर्शन देवता दानवों को दुर्लभ है। उस स्थान पर अचिंत्य मूर्ति श्री हरि विराजते हैं, जो महान तपस्वी और शुभ कर्मों से पवित्र चित्त होते हैं, जिनके हृदय में अज्ञान और मोह नहीं रहता, ऐसे योगी यतिजन भक्ति के द्वारा उसको यहां प्राप्त कर सकते हैं। वहां जाकर फिर वे इस लोक में नहीं आते हैं। यह परमेश्वर का स्थान
ध्रुव अक्षय और अविनाशी है, तुम यहीं से प्रणाम करो। देखो सूर्य चंद्रमा समस्त तारागण मर्यादा में रहकर पर्वतराज सुमेरु की प्रदक्षिणा किया करते हैं और नक्षत्रों के सहित चंद्रमा पर्व संध्यों का समय आने पर महीनों का विभाग करते हैं तथा महातेजस्वी सूर्य वर्षा वायु और ताप रूप सुख के साधनों से प्राणियों का पोषण करते हैं। भगवान सूर्य समस्त जीवों की आयु है, कर्मों का विभाग करके दिन रात कला काष्ठा आदि अवयवों की रचना करते हैं। फिर उत्तम व्रत करने वाले पांडव लोग उस पर्वत पर निवास करने लगे। इंद्र अस्त्र विद्या सीखने के लिए, अर्जुन अस्त्र विद्या सीखने के लिए इंद्र के पास गए थे। वे 5 वर्ष तक इंद्र के भवन में रहे और उन्होंने देवराज से अग्नि वरुण चंद्रमा वायु विष्णु इंद्र पशुपति पारमेष्ठी ब्रह्मा प्रजापति यम धाता सविता त्वष्टा कुबेर आदि देवताओं के अस्त्र प्राप्त कर लिए और इंद्र ने उन्हें घर जाने की आज्ञा दी। तब वे प्रणाम करके बड़े खुशी खुशी गंधमादन पर्वत पर लौट आए। वैशंपायन जी कहते हैं, महावीर अर्जुन इंद्र के रथ में बैठे हुए अकस्मात उस पर्वत पर उतरे, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने रथ से उतरकर सबसे पहले धौम्य के चरणों में प्रणाम किया, फिर युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया, फिर भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया, फिर नकुल और सहदेव ने उनका अभिवादन किया, फिर द्रौपदी से मिले। द्रौपदी उस समय गदगद हो गई क्योंकि उसके आंखों से पिछले सब दुखों से अश्रुपात हो रहा था। उसे धीरज बंधाया और बड़े विनय के साथ युधिष्ठिर के पास आकर खड़े हो गए। अतुलित प्रभावशाली अर्जुन से मिलकर पांडवों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि मानो हमारा 12 वर्ष का वनवास पूरा हो गया हो, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी पूरा हो गया हो, मानो हमें हमारा राज्य मिल गया हो। इतना आनंद का अनुभव हुआ कि अब उन्हें और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रही। महाराज युधिष्ठिर की अर्जुन बड़ी प्रशंसा करने लगे। पांडवों ने इंद्र के रथ के पास जाकर उसकी परिक्रमा की और इंद्र के सारथी मातली का इंद्र के समान सत्कार किया। उससे सब प्रकार देवताओं का कुशल क्षेम पूछा। मातली ने भी पिता जैसे पुत्र को उपदेश करता है उसी प्रकार पांडवों को उपदेश करके अभिवादन किया और अपने उस अमित प्रभावशाली रथ को लेकर इंद्र के पास चला गया। मातली के चले जाने पर अर्जुन ने देवराज के द्वारा दिए हुए सुंदर बहुमूल्य आभूषण द्रौपदी को दे दिए। फिर सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी पांडव ब्राह्मणों के बीच में यथावत बैठकर सब बातें सुनने लगे। उन्होंने बताया, इस प्रकार मैंने अर्जुन ने बताया अर्जुन ने बताया इस प्रकार मैंने वायु इंद्र साक्षात महादेव जी से अस्त्र प्राप्त किए। मेरे स्वभाव से इंद्र और समस्त देवता पूर्णतः संतुष्ट थे। शुद्ध कर्मा अर्जुन ने संक्षेप में अपने स्वर्ग के प्रवास काल की बहुत सी बातें सुनाई। फिर उस रात को उन्होंने आनंद पूर्वक नकुल और सहदेव के साथ शयन किया। रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल के समय वे भाइयों सहित धर्मराज के पास गए, प्रणाम किया। इसी समय देवराज इंद्र अपने स्वर्ण जटित रथ से आकर उस पर्वत पर उतरे। जब पांडवों ने उतरते देखा, वे उनके पास में गए, पूजा की। अर्जुन ने इंद्र को प्रणाम किया। सेवकों के समान वे खड़े हो गए। उदार चित्त धर्मराज का हृदय हर्ष से उमड़ पड़ा। उनसे देवराज इंद्र ने कहा, पांडु पुत्र तुम प्रसन्न रहो, तुम ही इस पृथ्वी का शासन करोगे, अब तुम काम्यक वन में लौट जाओ। अर्जुन ने बड़ी सावधानी से मुझसे सब अस्त्र प्राप्त कर लिए हैं,
इसने मेरा प्रिय भी किया है, अब इसे त्रिलोकी भी नहीं जीत सकती। इतना कहकर चले गए। धर्मराज ने अर्जुन से पूछा, भैया तुम्हें इंद्र के दर्शन किस प्रकार हुए? भगवान शंकर से तुम्हारा कैसे मिलना हुआ? तुमने किस प्रकार सारी शस्त्र विद्या प्राप्त की? तुमने कैसे महादेव जी की आराधना की? भगवान इंद्र कहते थे, अर्जुन ने मेरा प्रिय कार्य किया है, तो ऐसा तुमने कौन सा इंद्र का प्रिय कार्य किया है? मैं धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछे, ये सब बातें पूछी। तब अर्जुन ने कहा, महाराज जिस प्रकार मुझे इंद्र और भगवान शंकर के दर्शन हुए वो मैं सुनाता हूं। आपने मुझे जिस विद्या का उपदेश दिया था वो सीखकर मैं आपकी आज्ञा से तपस्या के लिए वन में गया। काम्यक वन से चलकर मैं भृगुतुंग पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा, परंतु वह एक ही रात रहा, फिर हिमालय पर जाकर रहने लगा। वह एक महीने तक केवल कंद और फल का आहार किया, दूसरा महीना जल पीकर बिताया, तीसरे महीने निराहार रहा, चौथे महीने ऊपर को हाथ किए खड़ा हो गया। ये सब होने के बाद मेरे प्राण नहीं छूटे। पांचवें महीने का एक दिन बीतने पर एक सुअर इधर उधर घूमता हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके पीछे पीछे किरात वेशधारी पुरुष आया। वह धनुष बाण तलवार धारण किए हुए था तथा उसके पीछे पीछे कई स्त्रियां चल रही थी। तब मैंने धनुष लेकर उस पर बाण चलाया, धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ाया और उस रोमांचकारी सुअर के ऊपर बाण लगाया और बीन दिया। उसी समय उस भील ने भी अपना प्रबल धनुष खींचकर बाण छोड़ा, जिससे कि मेरा मन दहल सा गया। फिर उसने मुझसे कहा, अय तपस्वी, ये सुअर पहले मैंने मारा है, ये मेरा शिकार है, फिर तुमने आखेट के नीम को छोड़कर उस पर वार क्यों किया? अच्छा तुम सावधान हो जाओ, मैं अपने पैने बाणों से अभी तुम्हारे गर्भ को चूर्ण कर देता हूं। ऐसा कहकर उस विशाल काय भील ने पर्वत के समान निश्चल खड़े हुए मुझको बाणों से आच्छादित कर दिया तथा मैंने भी भीषण बाण वर्षा करके उसे ढक दिया। उस समय उसके सैकड़ों हजारों रूप प्रकट होने लगे और मैं उन सभी पर बाण वर्षा करने लगा। फिर वे सारे रूप मुझे एक दिखाई दिए तो मैंने उसे भी बीन दिया। इतनी बाण वर्षा करने पर भी मैं उसे युद्ध में परास्त नहीं कर सका तो फिर मैंने वायव्यास्त्र छोड़ा ताकि यहां से उड़ जाए, परंतु वो टस्से मस नहीं हुआ और मुस्कुराने लगा, वायव्यास्त्र को कुंठित कर दिया। मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। फिर मैंने स्थूणाकरण, वारुणास्त्र, सर्वस्त्रास्त्र, शालभास्त्र और अश्मवर्षास्त्र छोड़ा, मन बाण छोड़े और पत्थर ही पत्थर गिराए, बाण छोड़े और एक बाण छोड़े और हजारों लाखों बाण गिरे, ऐसे सब बाण छोड़े, किंतु वह भील तो उन सब अस्त्रों को निगलता गया। और लाओ कहने लगा। उनके ग्रस लेने पर फिर मैंने ब्रह्मास्त्र को आज्ञा दी तो उसने उस जलते हुए ब्रह्मास्त्र को अपने बाणों से सब ओर से ढक दिया और उस भील ने उस ब्रह्मास्त्र की अग्नि को भी शांत कर दिया। अब मुझे बड़ा भय हुआ। मैंने धनुष और अपने दोनों अक्षय तरकस लेकर अब उसी के उसी पर फिर प्रहार किया, किंतु वो उनको निगल गया, मेरे धनुष को भी, सब को भी, तरकसों को भी। अब क्या करूं? तो फिर मैं अपने बाहु युद्ध करने लगा। मैं मुक्का मुक्की हाथापाई करूं उस पुरुष की बराबरी नहीं कर सका और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर गया।
फिर मेरे देखते देखते वह हंसकर उन स्त्रियों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गया। खूब तो मेरी पिटाई कर दी और वो अंतर्ध्यान हो गया। मैं एकदम भौचक्का सा रह गया, ये क्या हुआ। ये सब लीला देखकर वे देवादिदेव महादेव उस समय किरात वेश को छोड़कर अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनके कंठ में सर्प था और सर्प यूं जीव से लप लप कर रहा था, जैसे प्रसन्नता में किया करता है। हाथ में पिनाक धनुष, साथ में देवी पार्वती थी। मैं पूर्ववत ही युद्ध के लिए तैयार खड़ा था, किंतु उन्होंने मेरे सम्मुख आकर कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। इतना कहकर उन्होंने मेरे छीने हुए धनुष, अक्षय बाण, ये सब तरकस लौटाते हुए कहा, हे वीर, तुम इन्हें धारण करो, मैं तुम पर अपार प्रसन्न हूं। बताओ तुम्हारा क्या काम करूं, तुम्हारे मन की जो बात हो वो मुझे कहो। एक अमरत्व को छोड़कर तुम्हारी सब कामना मैं पूर्ण कर दूंगा। मेरे मन में अस्त्र ही समाये हुए थे, इसलिए मैंने हाथ जोड़कर उन्हें मन से प्रणाम करते हुए कहा, हे महादेव, आपने मेरा गर्व चूर कर दिया। कितनी मुझे शांति और प्रसन्नता मिली और आपने मुझे दर्शन दे दिया। अब मैं आपसे क्या मांगूं? फिर भी छोटे लोग बड़ों से कुछ मांगते हुए अच्छे लगते हैं, इसलिए मेरा ये अभीष्ट वर है कि देवताओं के दिव्य अस्त्र मुझे मिले और उनके प्रयोग की जानकारी आप मुझे दे दें। तब त्रिलोचन भगवान शंकर ने कहा, अर्जुन, तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होगी, मैं तुम्हें वो वर देता हूं और इसके साथ साथ अब मैं अपना पाशुपतास्त्र भी देता हूं, वो भी तुमको मिल जाएगा। उन्होंने पाशुपतास्त्र दे दिया। फिर कहा, तुम इस अस्त्र का मनुष्यों पर कभी प्रयोग नहीं करना, क्योंकि इसे हर आदमी सहन नहीं कर सकेगा, ये मेरा पाशुपतास्त्र त्रिलोकी को भस्म कर देगा। बेचारे छोटे छोटे प्राणियों पर इसका प्रयोग मत करना, अतः जब तुम्हें अत्यंत पीड़ा हो तभी इसका प्रयोग करना, अथवा जब शत्रु के छोड़े हुए अस्त्रों को रोकना हो तब इसका प्रयोग करना, वो वहीं तक सीमित रहेगा। ऐसे ही छोड़ दोगे तो सबको भस्म कर देगा। इस प्रकार भगवान शंकर के प्रसन्न होने से वह समस्त अस्त्रों को रोक देने वाला और स्वयं किसी से न रुकने वाला दिव्य पाशुपतास्त्र मेरे सामने मूर्तिमान होकर खड़ा हो गया। फिर भगवान की आज्ञा होने से मैं वहीं बैठ गया और देखते देखते भगवान अंतरित हो गए। हे युधिष्ठिर महाराज, देवदेव महादेव की कृपा से यह रात मैंने आनंद पूर्वक बिताई। दूसरे दिन जब दिन ढलने लगा तो हिमालय की तलहटी में दिव्य नवीन और सुगंधित पुष्पों की वर्षा हो रही थी। सब और दिव्य वाद्य यंत्रों की ध्वनि हो रही थी, देवराज इंद्र की स्तुतियां हो रही थी। थोड़ी ही देर में घोड़े से जुते हुए रथ पर विराजमान इंद्र, इंद्राणी सहित वहां पधारे। उनके साथ और भी देवता थे। इतने में ही मुझे महान ऐश्वर्य संपन्न नरवाहन श्री कुबेर जी के दर्शन हुए। फिर मेरी दृष्टि दक्षिण दिशा में विराजमान यमराज जी पर गई। पूर्व दिशा में स्थित इंद्र तथा पश्चिम में विराजमान महाराज वरुण पर भी पड़ी। राजन, उन सब ने मुझे धैर्य बंधाकर कहा, हे सभ्यसाचिन, देखो हम सब लोकपाल यहां उपस्थित हैं, तुम्हें देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए महादेव जी के दर्शन हुए हैं, तुम हम सब से अस्त्र ग्रहण करो। तब मैंने सावधान होकर उन देवताओं को प्रणाम किया और विधि पूर्वक उन सब के महान अस्त्र ग्रहण किए। जब मैं अस्त्र ले चुका था
तब उन्होंने मुझे जाने की आज्ञा दी और वे स्वयं अपने अपने लोकों को चले गए। देवराज इंद्र ने भी अपने तेजोमय रथ पर चढ़कर मुझसे कहा, अर्जुन तुम्हें स्वर्ग में भी आना होगा, तुमने कई बार तीर्थों में स्नान किया है, बड़ी भारी तपस्या की है, इसलिए तुम वहां अवश्य आना, मेरी आज्ञा से मातली तुम्हें स्वर्ग में ले जाएगा। तब मैंने इंद्र से कहा, भगवान आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपको अस्त्र विद्या सीखने के लिए अपना गुरु बनाना चाहता हूं। इंद्र ने कहा, हे भारत तुम मेरे लोक में रहकर वायु अग्नि वसु वरुण और मरुदगण सभी से अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करना, इसी प्रकार साध्यगण ब्रह्मा गंधर्व सर्प राक्षस विष्णु और नैऋति के भी तथा स्वयं मेरे अस्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त करना। इतना कहकर इंद्र वहां से चले गए। थोड़ी देर में वे उन्हीं घोड़ों के साथ वही रथ लेकर मातली मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, देवराज इंद्र आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने हिमालय की परिक्रमा की और उनकी आज्ञा लेकर उनके साथ श्रेष्ठ धनुष पर मैं बैठ गया। तब अश्वविद्या में निष्णात मातली ने कहा, मातली ने आगे रथों को घोड़ों को हांका और जब मातली ने देखा कि रथ के हिलने पर भी मैं स्थिर हूं, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अरे रथ घूमता है, घोड़े चंचल है, घोड़ों की चंचलता से रथ हिलता है, मैं भी हिल रहा हूं, तुम बड़े स्थिर हो, क्या बात है। देवराज इंद्र भी स्थिर नहीं रहते हैं, वो भी हिलने लग जाते हैं, तुम बिल्कुल स्थिर हो, तुम्हारी ये बात तो मुझे इंद्र से भी बढ़कर जान पड़ती है। ये कहते कहते मातली रथ को खूब आकाश में ऊंचा ले गया और मुझे देवताओं के भवन और विमान दिखाने लगा। कुछ और आगे बढ़ने पर मुझे देवताओं के नंदन आदि वन दिखाए, उपवन दिखाए, उससे आगे इंद्र की अमरावती पुरी दिखाई। उसमें सूर्य का ताप नहीं होता, न गर्मी है, न वहां उष्णता है, न शीतता है, न श्रम है, वहां वृद्धावस्था का नाम नहीं है, कहीं शोक नहीं, दीनता नहीं, दुर्बलता नहीं। वहां के निवासी विमानों में बैठकर आकाश में विचरण कर रहे थे। इस प्रकार देखता देखता मैं कुछ और आगे बढ़ा। मुझे वसु रुद्र साध्य पवन आदित्य और अश्विनी कुमारों के दर्शन हुए। सबकी मैंने पूजा की, उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया कि तुम्हें बल में तेज में यश में शक्ति में अस्त्र में युद्ध में सदा ही विजय प्राप्त होती रहेगी। इसके पश्चात मैंने देवता गंधर्वों से पूजित अमरावती में प्रवेश किया। देवराज इंद्र के पास पहुंचकर मैंने उन्हें प्रणाम किया। तब दानियों में श्रेष्ठ इंद्र ने बैठने के लिए मुझे अपना आधा सिंहासन दिया। वहां मैं अस्त्र विद्या प्राप्त करता हुआ परम प्रवीण देवताओं और गंधर्वों के साथ रहने लगा। रहते रहते मुझे वहां विश्वावसु के पुत्र चित्रसेन से मित्रता हो गई और उन्होंने मुझे बहुत विलक्षण गांधर्व शास्त्र संगीत की शिक्षा दी। वहां इंद्र भवन में रहकर मैंने तरह तरह के गान वाद्य सुने और अप्सराओं के नृत्य भी देखे, किंतु इन सब बातों का असर इन बातों को असार समझकर मैंने केवल अस्त्र विद्या में विशेष मनोनिवेश किया। मेरी ये प्रवृत्ति देखकर देवराज बड़े प्रसन्न हुए और मेरा वो समय आनंद से बीतने लगा। मुझमें सभी का बहुत विश्वास था, अस्त्र विद्या में मैं काफी निपुण हो गया था। एक दिन इंद्र ने मुझसे कहा, वत्स अर्जुन अब तुम्हें युद्ध में देवता भी परास्त नहीं कर सकते, फिर मर्त्यलोक में रहने वाले बिचारे मनुष्यों की तो बात ही क्या है, तुम युद्ध में अतुलित अजय और अनुपम होंगे, अस्त्र युद्ध में तुम्हारा सामना कर सके ऐसा कोई वीर होगा ही नहीं। तुम सदा सावधान रहते हो, व्यवहार कुशल हो, सत्यवादी हो, जितेंद्रिय हो, ब्राह्मण सेवी हो, शूरवीर हो,
तुमने 15 अस्त्र प्राप्त किए हैं और तुम उनका प्रयोग, उपसंहार, आवृत्ति, प्रायश्चित और प्रतिघात इन 5 विधियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अतः शत्रु दमन, अब गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। देखो, निवात कवच नाम के दानव मेरे शत्रु हैं। वे समुद्र के भीतर दुर्गम स्थानों में रहते हैं। वे 3 करोड़ की संख्या में हैं और उन सभी के रूप, बल और प्रभाव बराबर के हैं। तुम उन्हें मार डालो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। ऐसा कहकर इंद्र ने मुझे अपना अत्यंत प्रभावपूर्ण दिव्य रथ दिया। मातुली उसको चलाता था और मेरे सिर पर वह अत्यंत प्रकाशमय मुकुट पहना दिया गया। एक अभेद्य और सुंदर कवच मुझे पहनाया गया। मेरे गांडीव धनुष पर एक अटूट प्रत्यंचा चढ़ा दी। किसी शस्त्र से वो प्रत्यंचा नहीं कटे। इस प्रकार जब मुझे सब प्रकार से युद्ध सामग्री से सुसज्जित कर दिया तो मैं उस रथ पर चढ़कर दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए चल दिया। तब उस रथ की घरघराहट सुनकर मुझे देवराज समझ करके देवता चौकन्ने होकर मेरे पास आए। फिर उन्हें मुझे देखकर कहा, अर्जुन तुम क्या करने की तैयारी में हो? तो मैंने उन्हें सब बात बताकर कहा, मैं निवात कवचों का वध करने के लिए जा रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा मंगल हो। तब उन्होंने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, इस रथ में बैठकर इंद्र ने शंबरासुर, नुमुचि, बल, वृत्र और नरक आदि हजारों दैत्यों को जीता है। अतः कुंती नंदन, इसके द्वारा तुम भी निवात कवचों को परास्त करोगे। राजन, उन सब से आशीर्वाद लेकर मैं आकाश मार्ग से रथ पर निवात कवचों के साथ युद्ध करने के लिए समुद्र की ओर जाने लगा और मेरी जगह जगह खूब मंगल कामनाओं से स्तुतियां होने लगी और सभी ने मुझे विजय का आशीर्वाद दिया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् श्रीमन्नारायण नारायण